हे एवरीवन, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैमर। टेलीविजन इंडस्ट्री में टैलेंटेड एक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो टैलेंटेड होने के साथ साथ अपने चार्म से भी फैंस का दिल जीत लेते हैं। उन्हीं में से एक है टीवी एक्टर कुणाल जयसिंह, जिन्हें आप इश्क बाज, सिलसिला बदलते रिश्तों का जैसे कई पॉपुलर टीवी शोज में देख चुके हैं। पर काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि कुणाल ने अपने करियर की शुरुआत एक गूंगे के रोल से की थी और एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने अपने पापा से बस एक साल मांगा था। कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी कुणाल ऑडिशन तक पहुंच पाए और उन दिनों कितने स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किए और क्यों पहले ही ऑडिशन में उनका मजाक बन गया था। कौन थी वो लड़की जिसने कुणाल के प्रपोज करने पर उन्हें कह दिया था कि भालू जैसे शक्ल के लड़के से मुझे बात तक नहीं करनी। कुणाल की लव लाइफ, करियर लाइफ से लेकर एजुकेशन एंड प्राइवेट लाइफ से जुड़ी हर बात जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है हेलो शुभी। कुणाल जयसिंह का जन्म 29 जुलाई 1989 को मुंबई महाराष्ट्र की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था। वैसे उनकी फैमिली कश्मीर से बिलोंग करती है। अपनी स्कूलिंग उन्होंने जासूबेन एमएल स्कूल मुंबई से कॉमर्स स्ट्रीम में कंप्लीट की और तभी से उनका झुकाव एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी हुआ करता था। पर तब कभी उन्होंने एक्टिंग फील्ड में करियर बनाने का नहीं सोचा था। फिर मुंबई के एचआर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर लेने के बाद कुणाल ने टीवी इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने का सोचा। घर पर उनके इस डिसीजन से सब खुश नहीं थे, पर बार बार रिक्वेस्ट करने पर उनके फादर ने उन्हें एक साल अलाउ कर दिया और बस तभी से कुणाल ने ऑडिशंस में जान लगा दी थी। कुणाल बताते हैं कि उनका पहला ऑडिशन एक्सपीरियंस बहुत ही फनी रहा था, जब वो कोलगेट के ऑडिशन देने गए थे और वहाँ 50 लोगों के सामने उन्हें ऑडिशन देना था। कुणाल का नंबर पुकारे जाने के बाद जब वो वहाँ गए तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रोफाइल इंटरव्यू देने के बाद दोबारा कट और एक्शन बोला जाता है और फिर ऑडिशन देना स्टार्ट करना होता है। कुणाल ने तब बिना रुके लगातार ही परफॉर्म कर दिया और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और जब तक वो रुके तब तक कास्टिंग डायरेक्टर उनके सामने से कैमरा भी उठाकर ले गए और सब लोग कुणाल पर हंस रहे थे। खैर, उनका वो ऑडिशन उनके लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन गया और लर्निंग एक्सपीरियंस भी। बाद में एयरटेल के एड से उनके करियर की शुरुआत हुई, जिसमें बस उन्हें 10 से 20 सेकंड का एक्ट करना था। इसके बाद उन्होंने काफी टीवी शोज के लिए ऑडिशंस दिए, जिसके बाद उन्हें स्टार प्लस के शो प्रतिज्ञा में 40 दिन के कैमियो रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में उन्होंने एक म्यूट लड़के का रोल प्ले किया था, बट बाद में काफी ऑडिशंस के बाद उन्हें 2012 में चैनल वी के शो द बड़ी प्रोजेक्ट में रणवीर शेरगिल के लीड रोल में कास्ट कर लिया गया और ये शो उनकी लाइफ का मेजर करियर ब्रेक साबित हुआ। इस शो की स्टोरी 8 दोस्तों की फ्रेंडशिप और उनकी लाइफस्टाइल पर बेस्ड थी और शो उस टाइम टीनेजर्स का फेवरेट शो रहा। इसी शो के दौरान उनकी मुलाकात उनकी वाइफ भारती सिंह से हुई थी, बट पहली नजर में उन्हें भारती इतराने वाली लड़की लगी थी, तो फिर कैसे उन्हें उनसे प्यार हो गया, उनकी ये इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। खैर, द बड़ी प्रोजेक्ट के बाद कुणाल 2014 में बिंदास चैनल की ये है आशिकी में जीत सिंह और अभी के रोल्स में देखे गए। उसके बाद जी टीवी के शो डोली अरमानों की में चीकू के रोल में। पर साल 2016 उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्हें इशक बाज शो में ओमकारा के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। इस शो में उन्होंने तीन भाइयों में से एक आर्टिस्ट भाई का किरदार निभाया था, जिसे फैमिली बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। श्रीनु पारेख उस शो में उनके अपोजिट कास्ट की गई थी और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी बल्कि ये शो उन्हें काफी अवार्ड्स दिलाने में भी कामयाब रहा और शो की पॉपुलैरिटी की वजह से दिल बोले ओबेरॉय शो में फिर से उन्हें ओमकारा के रोल में सेलेक्ट कर लिया गया। वैसे दिल बोले ओबेरॉय शो इशक बाज शो का ही ट्रांजिशन था और उनके लास्ट सीन में उनकी एक्टिंग के लिए सेट्स पर सभी लोगों ने उनके लिए तालियां भी बजाई थी। कुणाल बताते हैं कि स्टारडम ने उन्हें एज अ पर्सन काफी चेंज किया है और उन्हें लाइफ में आने वाली हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहना भी सिखाया है। इतने पॉपुलर शो के बाद कुणाल तेजस्वी प्रकाश के अपोजिट सिलसिला बदलते रिश्तों का में रूहान के रोल में देखे गए और उसके बाद सावधान इंडिया के काफी सारे एपिसोडिक रोल्स में भी। बट रिसेंटली वो कलर्स टीवी के शो मुस्कुराने की वजह तुम हो में कबीर शेखावत के लीड रोल में तन्वी मल्हारा के अपोजिट नजर आ रहे हैं। इस शो के बारे में कुणाल का कहना है कि उन्हें शो का कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया था कि उन्होंने इसे हाँ बोल दिया। कुणाल का कौन सा शो आपका अब तक का फेवरेट शो रहा है, कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कुणाल की लव लाइफ की। तो पहली बार कुणाल को स्कूल डेज में एक लड़की से वन साइडेड प्यार हुआ था और उनके दोस्तों में और क्लास में सभी को तो पता था कि कुणाल उस लड़की के लिए बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, पर वो इतने शर्मीले थे कि वो कभी उससे बोल ही नहीं पाते थे। तभी एक दिन उनके किसी दोस्त ने जाकर उस लड़की को बता दिया कि कुणाल उन्हें पसंद करते हैं। कुणाल वहीं छुप कर खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे, बट वो लड़की कुणाल का नाम सुनते ही बोल पड़ी
कि वो भालू जैसी शक्ल का लड़का मुझे उससे बात तक नहीं करनी। और बस कुणाल ऐसा रिएक्शन सुनकर वहाँ से चले गए और प्यार जैसी चीज में फिर से नहीं पड़े। बट फिर साल 2014 में बड़ी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग में वो शो की एक्ट्रेस भारती सिंह से मिले। पहली नजर में भारती उन्हें बहुत ही इतराने वाली लड़की लगी थी, बट जैसे जैसे टाइम के साथ वो उन्हें जानने लगे तो कुणाल को उनसे प्यार हो गया। पर इस बार भी कुणाल प्यार के मामले में थोड़ा अनलकी रहे और भारती ने उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया और इस बार भी कुणाल का दिल टूट गया था। बट 2 साल तक ये टीवी शो चलता रहा और फाइनली शो एंड होने के बाद भारती को भी कुणाल से प्यार का रियलाइजेशन हो गया। जैसे ही भारती ने कुणाल को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, कुणाल तुरंत अपने प्रोड्यूसर से लीव लेकर भारती के पास उड़कर चले गए और 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने घर पर सबको बताकर जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। तो ये थी कुणाल जयसिंह की अनजानी सी लाइफ जर्नी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।